Good morning, students of class 5, students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained some rules for forming the comparative and superlative degrees from the positive degree. Today also, I'll be continuing with the same unit 13, degrees of comparison. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page 56. Children, please take out your English grammar book, turn to page 56, as I'll be continuing with unit 13 of your English grammar book, degrees of comparison. Students, first of all, I'm going to revise the rules which I had explained in my last video. Then I'm going to explain some more rules. So, all of you know that there are 3 degrees of comparison. The first is the positive degree, the second is the comparative degree, and the third is the superlative degree. We use the positive degree when we simply need to describe a noun, or when we want to say that a person or thing is equal to some other thing in some particular way. We use the comparative degree when there's a comparison between two things or two persons. And we use the superlative degree when there's a comparison in more than two persons or things. And there are certain rules for forming the comparative and superlative degree. So let's revise the rules. The first rule is most adjectives form their comparative and superlative by adding er and est. First rule says ki jo most adjectives hain wo apni comparative degree er laga ke form karte hain and superlative degree positive degree mein est laga ke form karte hain. Then the second rule says if positive degree ends in e, we add only r and st. This rule says कि अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जिसकी स्पेलिंग के एंड में ई आता है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री हम आर लगा के फॉर्म करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हम एस टी लगा के फॉर्म करते हैं. देन रूल सी, व्हेन द वर्ड्स एंड इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, वाई इज चेंज्ड इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी. रूल नंबर थर्ड सेज कि वो एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री जिनकी स्पेलिंग के एंड में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सनेंट आता है, तो वहां पे हम उनकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वाई को आई से रिप्लेस करके ई आर एड करते हैं, अनसुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वाई को आई से रिप्लेस करके ई एस टी एड करते हैं. देन रूल नंबर फोर्थ, व्हेन द वर्ड्स एंड इन वावल प्लस वाई देन वी एंड ई आर एंड ई एस टी. और वो एडजेक्टिव्स जिनकी स्पेलिंग के एंड में वाई आता है बट वाई से पहले अगर वावल है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए सिंपली ई आर एड करेंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए ई एस टी एड करेंगे. देन द फिफ्थ रूल सेज इफ द वर्ड इज ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सनेंट विथ अ वावल बिफोर इट, देन द कॉन्सनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी. अब फिफ्थ रूल जो कहता है कि अगर वन सिलेबल वर्ड है, एंड एज आई सेड कि सिलेबल पता करने का सबसे आसान तरीका है यू स्पीक द वर्ड लाउडली कीपिंग योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, द नंबर ऑफ हॉट पफ ऑफ एयर यू फील ऑन योर पाम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द एडजेक्टिव. और अगर कोई सिंगल सिलेबल वर्ड है तो उसमें अगर एंड में कॉन्सनेंट है और उससे पहले वावल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले से कॉन्सनेंट को डबल करके ई आर लगा देंगे तो कंपेरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए कॉन्सनेंट को डबल करके ई एस टी हम ऐड कर देंगे. नाउ रूल नंबर एफ विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. रूल नंबर एफ सेज एडजेक्टिव्स of more than adjectives of more than
syllables add more and most before them. Now, what does this rule say? अब ये रूल क्या कहता है, वो एडजेक्टिव्स जिनमें मोर देन टू सिलेबल्स हो, जिनमें दो से ज्यादा सिलेबल्स हो, उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम मोर लगाएंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम मोस्ट लगाएंगे. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन एन एडजेक्टिव, कुछ नहीं करना है आपको, वो वर्ड को जोर से बोलना और अपना पाम सामने रखना है. जितनी बार बोलते समय आपके पाम में हॉट पफ ऑफ एयर आएगा वो डिसाइड करेगा द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड. क्लियर? सो लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड वंडरफुल. फर्स्ट वर्ड वंडरफुल है. अब आप वंडरफुल को जोर से बोलिए अपना पाम अपने माउथ के सामने. वंडरफुल. आपने देखा more than two hot puff of air could be felt. So that means इसमें more than two syllables है, तो हम क्या करेंगे, इसकी comparative degree form करने के लिए हम लिखेंगे more wonderful clear? And superlative degree form करने के लिए हम क्या लिखेंगे, most wonderful. सो वंडरफुल, मोर वंडरफुल एंड मोस्ट वंडरफुल, वो एडजेक्टिव्स जिनमें मोर देन टू सिलेबल्स हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम मोर लगाएंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम मोस्ट लगाएंगे. नाउ द सेकेंड वन ब्लैंक ब्लैंक एंड द वर्ड गिवन इज most forgetful. So that means कि इसकी positive degree क्या है, forgetful. Positive degree क्या है, forgetful. और comparative degree क्या हो जाएगी, more forgetful. Then the third one. Third one is blank then more courageous. Courageous means brave. And then again blank. That means इसकी positive degree क्या होगी, हम मोर को हटा देंगे, सिंपली क्या है, करेजियस. सो वील राइट ओवर हियर करेजियस. और आप देखो ये सारे एडजेक्टिव्स में मोर देन टू सिलेबल्स हैं, फाइन. और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट करेजियस. देन द फोर्थ वर्ड इज honest. Honest. Honest again two syllable word है, तो इसकी comparative degree क्या हो जाएगी, more honest. And superlative degree क्या हो जाएगी बेटा, most honest. Okay. Then the last fifth one, blank, more
enjoyable, and blank. That means in more enjoyable ki positive degree kya? Enjoyable and the superlative degree will be adding most before enjoyable. So most enjoyable. Clear? I hope all of you have written wonderful, more wonderful, most wonderful. Forgetful, more forgetful, most forgetful. Courageous, more courageous, most courageous. Honest, more honest, most honest. Enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. You just need to keep in mind ki wo sare adjectives jin mein two syllables ya more than two syllables hai, unki comparative degree form karne ke liye humko unke aage more lagana hai. And superlative degree form करने के लिए उनके आगे हमको most लगाना. Fine. So I hope all of you have completed. Now the last rule given on page 58. Okay, what does this rule says? Some adjectives form their comparative and superlatives in an irregular way. They don't follow any rule. अब this rule says कि कुछ adjectives अपनी comparative and superlative degree एकदम irregular way में form करते हैं, वो कोई भी rule follow नहीं करते. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. ओके, the first one is good oblique well. अब good oblique well की comparative degree होती है better and superlative degree is best. अब आपने देखा एकदम different है. good, better, best, well, better, best. Clear? Then the second positive degree is bad. Bad ki comparative degree is worse. And the superlative degree is worst. Clear? Then the third
is more oblique many. Now I'll tell you, more हम यूज करते हैं हमेशा बेटा कोई चीज ज्यादा, ठीक है. Where as many is used with countable nouns, है ना. More हम uncountables के साथ यूज करते हैं और many किसके साथ यूज करते हैं, countable nouns के साथ. तो अभी दोनों की ही कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी much is used with uncountable nouns and many is used with countable nouns, है ना. Much हम uncountable nouns के साथ use करते हैं और many हम countable nouns के साथ use करते हैं और इनकी comparative degree है more, है ना. Much more and superlative degree is most. Clear? Many की भी comparative degree more है and superlative degree most है. ध्यान रखना है much is used with uncountable nouns, वो चीजें जिनको हम count नहीं कर सकते उनके साथ हम much use करते हैं, whereas many हम use करते हैं countable nouns के साथ. Okay, now the fourth one is old. अब old का older भी होता है and एल्डर भी होता है. अभी आपको पता होना चाहिए. अब आपको ध्यान रखना है ओल्डर जनरली हम कोई भी चीज पुरानी बताने के लिए यूज करते हैं, एल्डर जब हम किसी की एज स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स में जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम एल्डर वर्ड यूज करते हैं. वेयर इज ओल्ड हम जनरली यूज करते हैं थिंग्स के लिए, ठीक है. एल्डर पर्सन्स के लिए यूज होता है एंड ओल्डर जनरली कोई चीज जो पुरानी बतानी है उसके लिए. और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट. ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट. क्लियर? देन डैश लेस लीस, सॉरी. अब बेटा लेस है, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है दैट इज लिटिल. लिटिल लेस लीस्ट. क्लियर? लिटिल लेस लीस्ट. नाउ दिस नेक्स्ट वन इज फार, ठीक है. अभी फार का है दो है इसके, फार्दर जो डिस्टेंस में है, है ना. अगर कोई चीज हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में दूर है तो हम कहेंगे और ज्यादा दूर है. और दूसरा है फर्दर. फर्दर हम कोई चीज जो हमसे आगे है उसके लिए. सो फादर एंड फर्दर. फादर डिस्टेंस के लिए और फर्दर आगे के लिए. एंड इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज फादरेस्ट एंड फर्दरेस्ट. फार डिस्टेंस से और फर्दर जो है किससे, कोई चीज जो आगे हो. क्लियर? सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल दी सेवन रूल्स ऑफ फॉर्मिंग दी कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. नाउ चिल्ड्रन इफ यू लुक एट द ब्लू बॉक्स ऑन पेज 58, द टिप ऑफ द डे इज गिवन. द फर्स्ट टिप इज लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउंस. जो लिटिल है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस के संग. लिटिल अनकाउंटेबल्स के संग, मच अनकाउंटेबल्स के संग, मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउंस. अगेन फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउंस. फ्यू हम किसके साथ यूज करते हैं, जो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं.
Then fourth, many, as I already explained, is used with countables. Older and oldest can be used with reference to both persons and things. अब older और oldest हम persons और things दोनों के लिए use कर सकते हैं. But elder और eldest, it is only used for persons only, specially when we refer to the members of the same family. कहते हैं ना, he's my elder brother, she's my elder sister, she's the eldest in the family. तो जहाँ family members होते हैं, उनकी age के हिसाब से हम उन्हें बड़ा बताते हैं, तो उसमें हम elder या eldest use करेंगे. Whereas older हम persons or things दोनों के साथ use कर सकते हैं. And we don't use then after elder. और ध्यान में रखना, कभी भी elder के बाद हम then नहीं use करते. So please write learn by heart on top of this blue box, so that if you learn these tips, you will not make mistakes. So with this, children, I end today's video. All of you do learn these 7 rules of forming the comparative and superlative degree. That's all for today. Thank you, children. Have a good day ahead.